तो हेलो भैया, मैं श्याम अरोरा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज हम हुंडई के शोरूम के बाहर खड़े हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में क्लिक करा है, तो आज गुड न्यूज़ है, हमारे करण भाई की आज गाड़ी आने वाली है। तो हेलो करण भाई, सबसे पहले तो करण गिरधन भाई से मिलते हैं। आज इनकी गाड़ी की डिलीवरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो पीछे गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है। इन्होंने चॉइस करी है वेन्यू डीजल SX 1.5 डीजल इन्होंने चॉइस करा है। एंड अब डीजल गाड़ी क्यों आपने चुनी, उसके बारे में आप कुछ बताओगे? भाई गाड़ी के बारे में क्या बताऊँ, गाड़ी खुद बताती है अपने बारे में। खैर डिटेल में तो बाद में बात करेंगे, गाड़ी का एक ओनरशिप आएगा, पर अभी के लिए हम ही थोड़ा दिखा देते हैं गाड़ी की, थोड़ी आज डिलीवरी शेयर करेंगे। भाई की खुशी का मौका है, तो सब कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर कमेंट में लिख देना। अब चलते हैं गाड़ी के पास, भाई देखते हैं भाई ने क्या क्या एसेसरी लगवाई है, एंड ऑल कितने का पैकेज पड़ रहा है वो तो इस वीडियो में आपको बता दूंगा। पर डिटेल तरीके से अगर आपको जानना है भाई का कैसा रिव्यू है वेन्यू के बारे में, वो तो हम बाद में बताएंगे। तो चलते हैं वेन्यू की तरफ। तो अब गाड़ी के पास आ चुके हैं अंदर, अब गाड़ी के बारे में भी जानेंगे अच्छे से, डिटेल्ड वीडियो बाद में आएगी, पर अभी के लिए जानते हैं ओनर ने क्या क्या एसेसरीज प्रेफर करी है। भाई इसमें चार चीज़ें लगवाई हैं, एक तो ट्विन हुड स्कूप है दोनों साइड, एक इसमें एक्सटीरियर में क्रोम बिडिंग हो गई, और मड गार्ड लगाए हैं, मड फ्लैप्स बेसिक एसेसरी, एंड अंदर स्किड प्लेट्स लगवाई हैं। और अंदर स्किड प्लेट्स हैं, अभी स्पोर्टी पैड इनके पास एक्चुअली ख़त्म हो गए हैं, वो मैंने मंगवा दिए हैं। ये हुड स्कूप की क्या कॉस्टिंग है, हुड स्कूप की क्या कॉस्टिंग कैसे अराउंड है? ये शायद 1000 रुपये के होंगे। तो जैसे कि SX वेरिएंट है डीजल का, 1.5 मैनुअल 6 गियर के सेटअप के साथ है, एंड अभी BS Stage 6-2 के अंदर आ गया कंप्लेंट, तो इसमें आपको यूरिया लेवल्स एंड ऑल का भी देखने का फीचर देखने को मिली है। एंड जैसे कि आप देख पा रहे होगे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का भी इसमें फीचर आ गया। अभी यूरिया लेवल हम आपको दिखाने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें यूरिया लेवल भी डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको एड ब्लू के लिए भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। आप जैसे फ्यूल लिड के पास देख पा रहे होगे, यहाँ पे अब एड ब्लू का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है उसके साथ। एंड अब उसके बात करेंगे कि SX वेरिएंट को इन्होंने चूज करा है, तो ये पड़ कितने का गया है इस वीडियो में आप ये बता दो, बाकी तो हम डिटेल तो इसका ओनरशिप बाद में करेंगे। ये आपको कॉस्ट कितने का करा है? सर वैसे ये गाड़ी 14,33,000 रुपए की है, अगर आप पर्सनली अपने लिए नाम पे लेते हैं, हमने फर्म के नाम पे लिया है, तो हमें ये 1480 की पड़ी है। 1480 की आपको पड़ी है, एंड इसमें आपको बेनिफिट होता है, मतलब GST एंड ऑल वो कंपनी का होता है, वो जो CA वगैरह होते हैं वो अपने आप करते हैं। तो मतलब आपको एक इसमें कंपनी वाइज थोड़ा RTO आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ थोड़ा RTO ज्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल फ्यूचर में बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो जैसे डीजल कार है, तो आपने पेट्रोल क्यों नहीं प्रेफर करी? एक्चुअली हमारी रनिंग थोड़ी ज्यादा है, तो माइलेज हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस था। तो मतलब आपको 10 साल वाली लाइफ का ऐसा कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी वैसे भी 8-10 साल ही रखता है बंदा, फिर उसके बाद सेल आउट कर देंगे, गाड़ी चेंज हो जाती है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। हाँ वो भी एक बात है कि 10 साल से बाद शायद ही कोई बंदा रखता है। हाँ गाड़ी की कंडीशन भी बहुत बिगड़ जाती है, दिल्ली शहर में जैसे गाड़ी चलाते हैं हम, तो गाड़ी की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हाँ डेफिनेटली वो तो मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। एंड तो अब इसमें आप बता रहे हो जैसे कि हम PDI करने गए थे, मेरे फ्रेंड भी है, तो PDI के वक्त भी आप बता रहे थे आपकी गाड़ी में इशू था, तो आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ी थोड़ा वो। हाँ वो थोड़ा मुझे चेंज करनी पड़ी, थोड़ा अभी ब्रीफ में बता रहे हो, पर ओनरशिप में डिटेल तरीके से बताएंगे। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी गाड़ी, वो भी बिल्कुल सही थी, बस उसमें एक्चुअली क्या था, इसमें की में गाड़ी स्टार्ट होती है की से, तो ये इग्निशन नहीं ले रही थी गाड़ी, डिस्प्ले सब कुछ डिस्प्ले सब आ रहा था, सेल्फ नहीं ले रही थी, सेल्फ नहीं ले रही थी, और वो लोग वहाँ पे सर्विस सेंटर पे इस बात के लिए एग्री भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने पहले एग्री किया, फिर वो लोग कहने लगे कि इस गाड़ी में ये फीचर आता ही नहीं है, तो ये सब कंफ्यूजन हो गई थी, मतलब बहुत देर हमारी उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उनसे भी गलती हो गई थी एक्चुअली। हाँ मतलब एक कंफ्यूजन की बात, कंफ्यूजन हो गई थी, मिसकम्युनिकेशन वाली बात थी, एंड बहुत देर भैंस चली थी, टाइम वेस्ट हुआ था। लेकिन ठीक है उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ गाड़ी चेंज होगी उसके बाद, तो काफी पोलाइट थे। तो इसके डिटेल्ड तो रिव्यू बाद में आने वाला है, अब थोड़ी डिलीवरी के शॉर्ट शेयर करूंगा, एंड बाद में थोड़ा डिलीवरी आउटपुट भाई का एक रिव्यू छोटा सा था। एंड ये ओवरऑल मैंने आपको सारे फीचर दिखाई दिए, आपको कैसे इसमें वायरलेस एंड्रॉइड होता है, एप्पल कार प्ले देखने को मिलता है, कनेक्टेड कार्ड वाले आपको इसके अंदर कोई फीचर्स नहीं देखने को मिलता, वो आपको SX ऑप्शन में देखने को मिलता है। पर इसमें एक बात मुझे पर्सनली यहाँ पे अच्छी लगी, वो है इसमें आपको थीम सिलेक्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है SX मॉडल्स हैं, ये आपको बेस वेरिएंट से भी देखने को मिलता है डीजल के जो S+ वेरिएंट है, तो बहुत सारे यूनिक फीचर्स है उसके लिए, तो आप रहना स्टे ट्यून्ड रहना, क्योंकि ये कार एक तरह से अपने घर में ही आई है, तो इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आती रहेंगी, एंड क्रेटा के साथ भी इसका कंपैरिजन आने वाला है, तो अब डिलीवरी शॉट्स एंजॉय करना। तो अब जैसे हमने गाड़ी की डिलीवरी ले रही थी प्रीवियस डे पे, तो आज हम इसका टायर अपडेट करने को आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हम टायर शॉप पे आ चुके हैं, तो अब इस जो हम हाल फिलहाल के लिए इसके अंदर टायर्स हैं वो MRF के हमें इसके अंदर टायर्स देखने को मिले हैं,
पर जब हम अपग्रेड कर रहे हैं इसको योकोहामा के टायर्स में अपग्रेड कर रहे हैं, वो तो ओनर से मैं पूछवा दूंगा अपडेट क्यों कर रहे हैं, आपको भी बेनिफिट बताऊंगा MRF और योकोहामा में आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। एंड सारी बेसिक एसेसरीज लगभग हमने गाड़ी में सारी एसेसरीज लगवा ली, जैसे 70 मैट हो गए, विंडो शेड हो गए, छोटी मोटी जो भी एसेसरीज लगवानी थी सारी अब लगवा चुके हैं। अब मेजर टायर अपग्रेड का ही बचा था, तो इसमें MRF के जो टायर आते थे उसकी प्राइसिंग भी मैं आपको शेयर कर दूंगा एंड योकोहामा की भी, तो दोनों का डिफरेंस हमें क्या देना पड़ रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टायर साइज हम कौन सा डलवा रहे हैं वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन कराया अलॉयज की सेफ्टी के लिए, जैसे इसमें 5 नट आते हैं तो उसमें से एक नट ही हमने सेफ्टी वाला नट लगवाया, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके लिए एक स्पेसिफिक की आती है जो आपको इनके साथ मिलेगी एंड इसको आपको संभाल के रखना है, अगर ये आपकी की खो जाएगी तो आपका ये जो नट है खुल नहीं सकता, ये जो आपके शॉप है सिर्फ वो ही खोल सकते हैं, इसकी आपको सिर्फ एक ही की मिलेगी एंड ये यूनिक डिजाइन होते हैं जिस वजह से आपके टायर के थेफ्ट में प्रोटेक्शन होती है। तो आपको भी रिकमेंड करूंगा आपकी गाड़ी में अलॉय व्हील्स है एक सेट जरूर लगवा लें, कॉम्बिनेशन बनवा लें जैसे इस गाड़ी में हो रहा है। अभी टायर भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें आपको कौन सा वाला टायर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब टायर साइज की बात करेंगे, योकोहामा में क्या टायर साइज हमने डलवाया है आप देख पा रहे हो 215/60/R16 सेम टायर साइज डलवाया। टायर साइज में हमने कोई भी चेंज नहीं करा है, जो टायर साइज हमारा ओरिजिनल आया था कंपनी से वही वाला हमने इसमें टायर साइज ऑप्ट करा है, और भी ऑप्शन थे पर हमने ये वाला ऑप्ट करा है। अब आपको इसकी शिफ्टिंग भी दिखाऊंगा एंड दिखाऊंगा कैसे व्हील बैलेंसिंग एंड ऑल हुई है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया सेफ्टी नेट वाला वो भी आप लोगों को जरूर मेजर फॉलो करना है। तो अब टायर चेंज करा के आ चुके जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब इसके ओनर से मिलते हैं। जैसे कि नई गाड़ी है, 2 दिन पहले गाड़ी ली है तो ओनर ने इसका टायर चेंज करा दिए, इसके पीछे क्या रीजन था, MRF के टायर में क्या प्रॉब्लम थी जो उनको 2 दिन पुरानी गाड़ी में टायर चेंज कराने पड़े और क्या उन्होंने मनी वाइज क्या डिफरेंस उन्होंने दिया। तो करण भाई आप बताओ अपने टायर के बारे में। एक्चुअली ये योकोहामा का अर्थ वन है, आप मार्केट में जाओगे तो इससे बढ़िया टायर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, एक तो ये पॉइंट है, ये इसकी राइड क्वालिटी जो है MRF से 10 गुना बेटर है। उसके अलावा आप इसकी लुक्स देखेंगे तो मस्कुलर लुक आती है। हाँ, टायर का थ्रेड का डिजाइन भी अच्छा आपको। हाँ, सुपीरियर डिजाइन आपको थ्रेड, टायर का जो थ्रेड डिजाइन है वो भी आपको अच्छा सुपीरियर देखने को मिलता है। इससे ऊपर इंडिया में और कोई टायर नहीं आता, इससे ऊपर मिशलन आता था वो तो अब आना बंद हो गया है, तो इससे ऊपर तो कोई टायर नहीं है। तो अब थोड़ा प्राइसिंग का डिफरेंस बता दो दोनों में, आपको क्या देखने को मिल गया MRF और इसमें। प्राइस डिफरेंस में आप मोटा मोटी आप ये मान लीजिए मुझे चेंज करने में 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगे हैं। 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगे हैं तो मतलब प्रीवियस टायर की क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो MRF का इसमें आया था? मेरे को एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता, मतलब वो आपका पर टायर कितने का गया? मेरे ख्याल उन्होंने 6,000 रुपीज लिए होंगे पर टायर। पर टायर एंड इस वाले टायर के मेरे हिसाब से 8,200 का आपका पर टायर, ये वाला 8,200 का आया। दो हिसाब से आप देख पा रहे हो 9,000 के आसपास आ गया। और हमने लग नट्स का पेयर भी लगवाया था, जैसे कि एंटी थेफ्ट नट्स का आपको मैं बता रहा हूँ, एंटी थेफ्ट नट हमने इसमें एक पेयर लगवाया था तो उस वजह से भी एक थोड़ा सा सब ऐड करके 10,000 हो जाएगा। वो सब ऐड करके मतलब 9,000-10,000 में हमें एक्सपेंस आ गए एंड मेरे हिसाब से वर्थ था, क्योंकि इसमें आपको वारंटी भी ओवर एंड अबव MRF आपको अच्छी ऑफर देखने को मिलती है। 5 साल की आपको अनकंडीशनल वारंटी देखने को मिलती है, वेरियस MRF में आपको कोई भी वारंटी देखने को नहीं मिल रही थी। तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो मेरे हिसाब से वर्थ द अपग्रेड था। आपकी क्या राय है इसके बारे में, इसके अपग्रेड के बारे में कमेंट में जरूर बताना है। जैसे कि देख पा रहे हो कि वेन्यू की हमने फाइनली डिलीवरी ले ली है, तो अब इसके बारे में बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, तो लाइक कर दो, वीडियो को यही एंड करते हैं एज ऑल एंड सबके साथ। तो गाइस टाटा बाय बाय, सी या।